नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुकिए, और रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। बिहार सरकार का आदेश, शादी में बैंड बाजा और डांस पर रोक, विवाह स्थल पर स्कैनिंग जरूरी, सिर्फ 100 लोग मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर रोक लगा दिया गया है। विवाह स्थल पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 100 लोग मौजूद रहेंगे। सब मास्क पहनकर आएंगे और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। श्राद्ध में 25 लोग से ज़्यादा नहीं शामिल हो पाएंगे। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने ये ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि सूबे में होने वाली किसी भी शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें वोटर और कुक से लेकर बाराती सराती सब शामिल होंगे। शादी में शामिल होने वाले सारे लोग मास्क लगाना ज़रूरी होगा। बिहार स्थल पर थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी होगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही लोगों को शादी में शामिल होने दिया जाएगा। बिहार सरकार ने शादियों में सड़क पर बैंड बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दिया है। हालांकि विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने पर रोक नहीं है, लेकिन शादी के दौरान विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने में भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा। सरकार के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब किसी श्राद्ध के दौरान अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें पंडित से लेकर श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की संख्या शामिल है। श्राद्ध के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मास्क जैसे नियमों का पालन किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में फिर से बढ़ा कोरोना का खतरा, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। कई राज्य सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में सरकार की ओर से कुछ जिलों को चिन्हित भी किया गया है जहाँ कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। इन जिलों में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। सरकार ने पटना समेत राज्य के कई और जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% यानी आधे कर्मचारी को ही कार्यालय आने देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कई पाबंदियों भी लगा दी है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिशा निर्देशों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की दर 10% से ज़्यादा है वहां पाबंदियां लगाई जाएंगी। यानी जिन जिलों में कोरोना जांच के दौरान 10% से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% लोग आएंगे। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, पटना समेत कई जिलों में सरकारी निजी दफ्तरों में आधे कर्मचारी आएंगे, गाड़ियों में पैसेंजर पर भी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। सरकार ने पटना समेत राज्य के कई और जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% यानी आधे कर्मचारियों को ही कार्यालय आने देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कई पाबंदियां भी लगा दी है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव की दर 10% से ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ ये पाबंदी लागू होंगी। इसके अलावा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण जिले में भी कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, वहाँ भी ये पाबंदियाँ लागू होंगी। सरकार ने तय किया है कि इन जिलों में निजी और व्यावसायिक वाहनों पर सिर्फ आधे पैसेंजर बैठेंगे। पटना में सार्वजनिक बस से लेकर ऑटो में ठूस कर पैसेंजर ढोए जा रहे हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना को लेकर ये निर्देश फिलहाल एक सप्ताह के लिए जारी किए गए हैं, एक सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद आगे के लिए आदेश जारी किया जाएगा। लालू का रुतबा, वार्ड में शिफ्ट हुए तो 3 गाड़ियों में भरकर ढोया गया सामान, आरजेडी नेताओं की गाड़ियां सामान ढोती रही। इलाज के लिए रांची के रिम्स में बैठकर फोन से बिहार के बीजेपी विधायक को प्रलोभन देने के आरोपों के बाद आज लालू प्रसाद यादव अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन अधीक्षक के आलिशान बंगले में पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के दौरान भी लालू प्रसाद यादव का रुतबा दिख गया। 3 गाड़ियों में भरकर उनका सामान पेइंग वार्ड में ले जाया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता सामान ढोने में लगे रहे।
दरअसल लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल का ऑडियो वायरल होने के बाद फजीहत झेल रही हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें आनन फानन में शिफ्ट किया है। लालू प्रसाद यादव रिम्स निदेशक के आलिशान केली बंगले में रह रहे थे। गुरुवार दोपहर प्रशासनिक अमला पहुंचा और लालू प्रसाद को निदेशक के बंगले से 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित अस्पताल के पेइंग वार्ड नंबर 11 में ले जाया गया। लेकिन रिम्स निदेशक के बंगले में लालू यादव का इतना सामान था कि देखने वाले हैरान थे। बिहार में 1594 दरोगा की पोस्टिंग, ट्रेनिंग के बाद विभिन्न जिलों में भेजा गया। इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस में तैनात 1594 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से ट्रेनिंग दरोगा की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिन्हें विभिन्न जिलों में आवंटित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक राजगीर पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ले रहे 1594 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। मुख्यालय आईजी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजगीर पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के बाद इन पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बिहार ने विभिन्न जिलों में आवंटित किए गए हैं। लालू यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में केस दर्ज। सत्ता लोक में फंस गए आरजेडी सुप्रीमो, कई और नेताओं की खुलेगी पोल। बीजेपी विधायक को फोन कर सरकार को अस्थिर करने के मामले में लालू प्रसाद यादव लगातार फंसते जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जांच में लालू प्रसाद यादव के और फंसने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने प्राथमिकी में लालू प्रसाद यादव पर बिहार की सरकार को गिराने का साजिश रचने और लोभन देने का आरोप लगाया है। निगरानी विभाग ने मामला दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू करने की बात कही है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक के अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। ये वही विधायक ललन पासवान है जिनके साथ लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि विधायक ललन पासवान विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सदन में गैर हाजिर रहें, इसके लिए वे विधायक को मंत्री बनाने का प्रलोभन देते सुने जा सकते थे। ऑडियो के वायरल होने के साथ सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। बिहार में 34,000 शिक्षकों का पद खाली, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। हाल ही केंद्र सरकार ने इस मामले में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। देश भर में सबसे ज़्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, यह केंद्र सरकार का रिपोर्ट बताती है। गुरुवार को शिक्षकों की बहाली को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में नीतीश सरकार को जवाब मांगा है। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी। बिहार में कोरोना को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा आगामी 8 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। दिनेश कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि बिहार में कोरोना का नहीं होना मिथक मात्र है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया है कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन व MRI मशीन स्वयं का न होकर PPP मोड पर है, इस वजह से मरीजों को पैसे खर्च कर टेस्ट कराने होते हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि कोरोना टेस्ट में लगभग 40% मामले में रिपोर्ट सही नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि PM के पास से जो कोरोना का RT-PCR मशीन का जो रिपोर्ट गया है उनमें बिहार 15% के साथ सबसे नीचे है। बिहार में इन मशीनों का काफ़ी कमी है और साथ ही साथ टेस्ट भी काफ़ी कम तादाद में हो रही है। कोरोना से निपटने में सबसे फिसड़ी बिहार, हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से पूछा लोगों को बचाने के लिए क्या तैयारी हुई। देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार के कई जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलने की संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी पटना में भी अब हालात
धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। ये बातें राज्य सरकार की ओर से खुद कही गई है। हालात को देखते हुए गुरुवार को एक बार फिर से नई गाइडलाइंस नीतीश सरकार की ओर से जारी की गई है। लोगों को तमाम एहतियात बरतने का निर्देश दिए गए हैं। उधर पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 8 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। गुरुवार को जेपी स्वतंत्रता सेनानी दिनेश कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार खंडपीठ ने सुनवाई की है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की, तो बिहार में मिले कोरोना के 682 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,33,142। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 211 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 233,142 हो गया है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।